दोस्तों, अंग्रेजी बोलना तो आसान है, बहुत हद तक आसान है, क्योंकि 2-3 महीने की प्रैक्टिस में आप अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन वही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की बात हो या टेलीविज़न न्यूज़ समझने की बात हो, खासकर इंग्लिश न्यूज़ टेलीविज़न पर, रेडियो पर या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर को समझना आसान नहीं होता है। तो और इसके लिए हम सभी बहुत प्रयास करते रहते हैं, डिक्शनरी में सर्च करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आसान टिप्स मैंने खोज निकाला जिसे जानकर आप आसानी से स्टेप वाइज स्टेप करके इंग्लिश न्यूज़पेपर को समझ सकते हैं। वो भी कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। इंग्लिश न्यूज़पेपर में जितने भी टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो क्राइम से संबंधित हो, पॉलिटिक्स से संबंधित हो, या रोड मिसहैप्स या नेचुरल डिजास्टर्स, इन सभी विषय वस्तु पर हम वर्ड्स को कलेक्शन करके आपको एग्जाम्पल के साथ बताने जा रहे हैं और एक एक करके हम बताएंगे। और इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं क्राइम वर्ड्स पर। अगर दोस्तों ये टोटल वर्ड्स, मैं जो भी वर्ड्स बता रहा हूँ, अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो न्यूज़पेपर हो, रेडियो हो या टेलीविज़न हो, इन सभी पर आप आसानी से न्यूज़ को समझ सकते हैं, अगर वह क्राइम से संबंधित होगा तो। इस वीडियो के बाद मैं फिर से किसी दूसरे टॉपिक पर बनाऊंगा, वर्ड्स कलेक्शन करके आपको बताऊंगा, और इस प्रकार आप न्यूज़पेपर को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं, एक एक कर वर्ड्स को पढ़ेंगे और हम एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे, नीचे आप देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है, प्राइम अक्यूज्ड, मीन्स मुख्य आरोपी, इन्वॉल्वमेंट, संलिप्तता, स्कैन, जांच करना, थॉरोली, पूर्णतः, सावधानी के साथ, इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात करना, जांच, पड़ताल करना, छानबीन करना, रीबिल, प्रकट करना या उजागर करना, इन रूट टू, के रास्ते में, द प्लेस ऑफ अकरेंस, घटना स्थल, कमिट क्राइम, अपराध करना, इलिसिट रिलेशनशिप, अवैध संबंध, अराइव, पहुंचना, कंक्लूजन, निष्कर्ष या नतीजा, फॉल आउट, परिणाम, मर्डर, हत्या, मार्क्ड, अस्पष्ट या उल्लेखनीय, डिफरेंसेस, मतभेद या अनबन, सर्कमस्टांसल, परिस्थितिक, एविडेंस, सबूत या साक्ष्य, नैव, गिरफ्तार करना, एब्सकॉन्डिंग, फरार होना या फरार। दोस्तों, इन सब वर्ड्स को आप अक्सर न्यूज़पेपर में देखते होंगे। अब आते हैं इन सब का यूज़ कैसे करेंगे, ताकि आप आसानी से यूज़ करना भी जान लें और मीनिंग को समझना, सेंटेंस को समझना भी सीख लें। अभी आप देखेंगे, ये पूरे सेंटेंस को आप पढ़कर इसका मीनिंग जानेंगे, ताकि आप न्यूज़पेपर को भी आसानी से समझ सकें। द पुलिस सेड ऑन सैटरडे दैट द फोन रिकॉर्ड्स ऑफ नरेश वर्नवाल, हस्बैंड ऑफ सुमन वर्नवाल एंड अ प्राइम अक्यूज्ड इन हर मर्डर प्रूव्ड हिज इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस। तो पुलिस ने कहा, शनिवार को पुलिस ने कहा कि नरेश अग्रवाल, जो सुमन वर्नवाल के पति हैं, उनके फोन रिकॉर्ड्स और प्राइम अक्यूज्ड उनके जो मर्डर में है, जो मुख्य आरोपी उनके हत्या में है, उन्होंने अपने संलिप्तता को स्वीकार कर लिया है और प्रूफ हो गया कि इन दोनों का संलिप्तता इस केस में है। द पुलिस स्कैन द फॉर्मर्स फोन रिकॉर्ड्स थॉरोली। पुलिस ने ये नरेश वर्नवाल के फोन रिकॉर्ड्स को पूरी सावधानीपूर्वक जांच कर लिया है। द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट नॉट ओनली डिड नरेश स्पीक टू द क्रिमिनल हुज इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम इज सस्पेक्टेड इन रूट टू द प्लेस ऑफ अकरेंस फ्रॉम शेखपुरा बट ऑल्सो आफ्टर द क्राइम वॉज कमिटेड। जांच पड़ताल से पता चला है, जांच पड़ताल से सामने आया है कि नरेश उस अपराधी से बात किया
जो इस अपराध में इन्वॉल्व है वो उससे पहले ही नहीं बल्कि घटनास्थल में जब अपराधी था तो उससे बात किया, लेकिन उस घटना के बाद भी नरेश वर्णवाल ने उस अपराधी से बात किया। द आईजी सेड द पुलिस अराइव्ड एट कंक्लूजन डैट सुमन्स मर्डर वॉज फॉल आउट ऑफ इलिसिट रिलेशनशिप ऑफ हर हस्बैंड एंड अनदर वोमैन, सेड द आईजी। दोस्तों यहाँ कहा गया है कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचा और निष्कर्ष पर, यहाँ पर पुलिस अराइव्ड एट अ कंक्लूजन, पुलिस एक निष्कर्ष पर पहुंचा और कहा कि सुमन्स मर्डर वाज फॉल आउट ऑफ पुलिस इलिसिट रिलेशनशिप, सुमन की हत्या यह अवैध संबंध का परिणाम है, किसका अवैध संबंध, ऑफ हर हस्बैंड विद एनोदर वुमैन, सुमन वर्णवाल के पति का अवैध संबंध किसी दूसरी महिला से था, यही कारण था उसकी हत्या का। अमितकर अल्सो सेड दैट देर हैड बीन मार्क डिफरेंसेज बिटवीन नरेश स्टेटमेंट एंड सर्कमस्टांशियल एविडेंस। अमितकर ने कहा कि नरेश अग्रवाल का जो स्टेटमेंट है और पारिस्थितिक जो सबूत मिली है उसके अनुसार देखा जाए तो बहुत ही अंतर है एविडेंस में, बहुत ही स्पष्ट अंतर है। Efforts are on to nab the absconding criminals involved in the incident, he added. इसमें कहा जा रहा है कि जो फरार अपराधी है उसे पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए प्रयास जारी है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप अगर ये क्राइम वर्ड्स है आप इसे पूरा कंप्लीट याद कर लेंगे तो क्राइम से संबंधित जो भी न्यूज़ छपेगी आप बहुत ही आसानी से आप उस न्यूज़ को समझ सकते हैं। और इसी प्रकार हम और भी किसी टॉपिक पर वर्ड्स को कलेक्ट करके आपको बताएंगे पूरे सेंटेंस के साथ, एग्जांपल के साथ, ताकि आप प्रत्येक टॉपिक पर जो न्यूज़पेपर में छपती है आप आसानी से पढ़ करके समझ सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे प्रत्येक प्रयासों को आप देख सकें, आप इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना, न्यूज़पेपर समझना ये सब सीख सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।